यूं तो कहीं ये नहीं लिखा है कि शादी की अधिकतम उम्र क्या होनी चाहिए, लेकिन बहुत से राजनेता ऐसे रहे हैं जो 50 की उम्र पार करने के बाद भी दुल्हा बने। किसी ने तो 74 साल की उम्र में शादी रचाई। आइए डालें ऐसे ही चंद मशहूर राजनेताओं पर एक नज़र। मुलायम सिंह यादव ने 2 शादियां की है। पहली पत्नी के देहांत के बाद 64 की उम्र में उन्होंने साधना गुप्ता से शादी रचाई थी। साधना मुलायम से करीब 20 साल छोटी हैं। कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक ने 8 मार्च 2020 को अपनी पुरानी दोस्त रवीना खुराना संग शादी रचा ली थी। मुकुल वासनिक 60 साल की उम्र में दुल्हा बने थे। मनोज तिवारी बीजेपी सांसद तिवारी ने 50 की उम्र पर दूसरी शादी रचाई। पहली पत्नी ने उनसे तलाक ले लिया था। तलाक के करीब 12 साल बाद 2020 में मनोज तिवारी दोबारा दुल्हा बन गए थे। शशि थरूर ने 22 अगस्त 2010 को सुनंदा पुष्कर से शादी रचाई थी। दोनों की शादी बेहद धूमधाम से हुई थी। शादी के वक्त थरूर की उम्र 54 साल थी। शादी के 4 साल बाद सुनंदा पुष्कर की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने टीवी जर्नलिस्ट अमृता रॉय से साल 2015 में शादी रचाई थी। ये दिग्विजय सिंह की दूसरी शादी थी। शादी के वक्त दिग्विजय सिंह की उम्र 67 साल और अमृता रॉय की उम्र 43 साल थी। इंदिरा गांधी के बेहद करीबी रहे दिवंगत कांग्रेस नेता आर के धवन ने 74 साल की उम्र में दोस्त अचला मोहन से शादी रचाई थी। शादी के वक्त अचला की उम्र 59 साल थी। शादी आर्य समाज के तौर तरीके से हुई थी। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।